वी हैव वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. सो दैट पार्टिसिपेशन हैज बीन कैरेक्टराइज इनटू थ्री पार्ट्स, फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड सोशल बेनिफिट्स. इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल बेनिफिट, lifestyle disease is the first point where if the woman participates in sports based or physical education based things, sports based parts, so jo lifestyle disease hone ke chances hote hain wo kam ho jate hain, jaise obesity hai, diabetes hai, hypertension hai, asthma hai, back pain hai, ye sab hone ke chances bahut kam ho jate hain. Then jo bone density hai, females mein hamesha dekha gaya hai ki bone density low ho jati hai, so agar koi sports mein participate karte hain to bone density low hone ke chances kam ho jate hain. देन वी हैव टोन्ड मसल्स, अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उनकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है और टोन्ड रहती है हमेशा, फिट एंड एक्टिव रहता है हमेशा. देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट का जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी उनका स्ट्रांग होता है, और अगर वो स्ट्रांग होगा तो उनका जो फ्यूचर पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है. सो ये फिजिकल बेनिफिट है. देन ओबेसिटी है, ओबेसिटी लो रहती है, यू विल नेवर फाइंड अ स्पोर्ट्स पर्सन वेरी फैट, ओबेसिटी लेवल हमेशा उनके अंदर लो ही रहता है. देन अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं कि सोशल बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या, तो सबसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देख लेते हैं. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में जो है, सो वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, दे कैन मैनेज स्ट्रेस वेरी वेल, क्योंकि क्या होता है स्पोर्ट्स में जब भी कोई पार्टिसिपेट करता है तो उनका जो मूड है वो इम्प्रूव रहता है, उनको बहुत मजा आता है स्पोर्ट्स में, वो स्ट्रेस एंड टेंशन से दूर रहते हैं तो वो अपने स्ट्रेस को वेरी इजिली मैनेज कर सकते हैं. देन कंट्रोल इमोशंस है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं बिकॉज जो एंडोर्फिन लोअर्स, जो स्ट्रेस को, जो एंडोर्फिन ग्लैंड जो रिलीज करती है बॉडी हमारी, उससे स्ट्रेस लेवल लो होता है. स्ट्रेस लेवल लो होगा तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, ज्यादा आप उदास नहीं होगे, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आपके पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपके इमोशंस कंट्रोल होने लगेंगे. देन कमिंग ऑन टू कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एक स्पोर्ट्स मैन के अंदर में, वैसे ही वुमेन के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. देन कम सेल्फ एस्टीम, वो जो है सो अगर उनका स्पोर्ट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है तो उनकी जो है सो एथलेटिक बॉडी जो है सो हमेशा एक अच्छा एस्टीम प्रोवाइड करती है, वो खुद के जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकती है, अपने पास भी, सोसाइटी में भी अपने आप को मैनेज करके रख सकते हैं और उनके लाइफ में सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होता है. देन दे लर्न द लीडरशिप क्वालिटीज स्किल्स, जो अगर टीम में कैप्टन है, आप डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में खेलते हैं तो आप लीडरशिप क्वालिटीज खुद के अंदर डेवलप करते हैं एंड एज अ लीडर आप इमर्ज होते हैं. नेक्स्ट जो है सोशल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स में देर आर फ्यू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है. अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो आपके अंदर जो है सो आप सोशल नेटवर्क में वर्क करते हो, स्पोर्ट्स जो है सो हमेशा मोस्टली टीम वर्क होता है तो उसमें जो है सो आप कोऑर्डिनेशन लेवल पे वर्क करते हो तो आप कोऑर्डिनली सबके साथ काम कर पाते हो एंड योर कोऑर्डिनेशन लेवल इंक्रीजेस. देन कम्स कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आप अपने पीयर टीम मेंबर से मिलते हो, कोचेस से मिलते हो, सभी लोगों से मिलते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है. देन इंटर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आप टीम में खेलना शुरू करते हो आपकी अचीवमेंट आने लगती है. देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, आपके अंदर अंदर जो है सो लोगों से रिलेशनशिप अच्छा हो जाता होने लगता है बिकॉज व्हेन यू विन पीपल अप्रिशिएट्स यू. तो सब अगर हारते भी हो तो भी लोग आपका साथ देते हैं, वो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो जो रिलेशनशिप लेवल है वो इंक्रीज होती है एंड देन यू बिकम अ गुड कोऑपरेशन वाले लोग बन जाते हैं. जो भी वुमेन्स पार्टिसिपेट करती है दे लर्न हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल कंसिडरेशन, दैट इज मेनार्च, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज. सो मेनार्च क्या होता है, मेनार्च इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ अ गर्ल दैट जनरली हैपेंस एट द एज ऑफ 12 टू 14 इयर्स. जो पहला पीरियड होता है गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है दैट व्हिच ऑकर्स एट द एज ऑफ 12 टू 14 इयर्स, दैट इज मेनार्च. इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी मे लीड टू हेल्थ रिस्क टू यंग गर्ल्स एंड रिफ्लेक्टेड इन अबनॉर्मल मेनार्च. बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला जो एक्सरसाइजेस होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो यंग गर्ल्स को जो है सो हेल्थ रिस्क हो सकती है और उसको एबनॉर्मल मेनार्च में गिना जाता है. देन कम्स मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज कि अगर कभी डिसऑर्डर होती है जिसमें कि इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. कभी भी अगर किसी को पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोला जाता है. इसमें क्या क्या चीजें होती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज्यादा आ सकती है, हैवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स आ सकती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको आने में डिले हो सकता है. सो ये मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है. देन कम्स प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी एक स्पोर्ट्स कैरियर में वुमेन के लिए ब्रेक की तरह काम करती है. इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक पार्ट इन इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. किसी को प्रेगनेंसी होती है तो उस समय उसको इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए.
देन कम्स मेनोपॉज. मेनोपॉज होता है, इट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरीज. जब भी ओवरीज जो है सो प्राइमरी फंक्शन स्टॉप कर देती है, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज. मेनोपॉज में ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जो है सो प्रोड्यूस नहीं होती है. मेनोपॉज एक तरीके से स्टॉपिंग ऑफ द पीरियड्स होती है वुमेन्स के अंदर में. देन वी कम टू फीमेल एथलीट ट्रायड. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली हर बार एग्जाम में आता है. फीमेल एथलीट ट्रायड क्या होता है? इट इज अ हेल्थ कंसर्न फॉर एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स हु आर ड्रिवन टू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. ये एक तरीके से ट्राइड बोला जाता है बिकॉज थ्री आर देयर. और इस तरीके से जो है सो ये वो कॉन्सेप्ट होती है जहां पे वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. और कुछ रीजंस होते हैं, वो तीन क्या क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एमेनोरिया है, ओस्टोपोरोसिस है. कौन इफेक्ट होता है? एनीवन मे बी अफेक्टेड बट फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज विच एम्फेसाइजेस लीननेस आर एट हाई रिस्क. जैसे वो एक्टिविटीज जिसमें की लीन पोजिशन ज्यादा होती है, जैसे जिमनास्टिक है, बैलेट है, डाइविंग है, फिगर स्केटिंग है, एरोबिक्स है, रनिंग है, ये सब चीजें जो है सो ज्यादा इफेक्ट होती है फीमेल्स के लिए. इसमें जो सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है? फटीग है, फ्रीक्वेंट इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस ऑफ एंडोरेंस है, इरेटेबिलिटी है, इंक्रीज हीलिंग टाइम ऑफ इंजरीज है, सीजेशन ऑफ मेस्ट्रंस है. तो ये सारी चीजें जो है सो होती है इसके सिम्टम्स. अब एक एक करके हम देख लेते हैं तीनों में होता क्या क्या है. सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर टू है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया. एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग पीपल टू ओबेस अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट. जब लोग सोचने लगते हैं कि वेट ज्यादा हो रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से वो अपने खाने में स्टॉप करने लगते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. इट इज कैरेक्टर बाय द डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज विथ एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग ओवरवेट. इसमें जो है सो एक फियर लगा रहता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा. दैट कंडीशन जो होती है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, दैट इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. सिम्टम्स में जो है सो नॉर्मल वेट थ्रू स्टार्वेशन और टू मच एक्सरसाइज. लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं जिसकी वजह से वेट कम हो जाता है. वो स्टार्व करने लगते हैं, खुद को बार 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 देखने लगते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर नॉर्मल वेट. कई बार ऐसा भी होता है कि वेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से नॉर्मल वेट रिस्टोर करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. इस वक्त पे टॉक थेरेपी ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें जो है सो बिहेवियरल चेंजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. देन बुलिमिया नर्वोसा है. बुलिमिया नर्वोसा इज नथिंग एल्स, सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है मार्क्ड बाय बिंगिंग फॉलोड बाय मेथड्स टू अवॉइड वेट गेन. आपने खाना खाया देन यू वोमिट आउट so that the body doesn't store the fat. People with this condition binge eat, वो खाकर vomit out कर देते हैं. और जो है सो इसमें ज्यादातर जो है excessive exercising और fasting भी आ जाता है. eating and then vomiting out with purpose not to gain weight, ताकि gain weight gain ना हो, इसके लिए जो है सो eat करने के बाद vomit out कर देते हैं, that is termed as bulimia. ट्रीटमेंट्स इंक्लूड काउंसिलिंग, मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन. इसमें जो है सो काउंसिलिंग हो गया, मेडिकेशन हो गया, न्यूट्रिशन एजुकेशन देने से भी जो है सो ये ट्रीटमेंट हो सकती है. सेकेंड ट्राइड की बात करो तो इट्स एमेनोरिया. एमेनोरिया इज जब भी कभी थ्री मंथ और उससे ज्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एमेनोरिया. एमेनोरिया इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया. प्राइमरी एमेनोरिया इज व्हेन देयर इज अ डिलेड बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब भी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिलेड होती है, एट द टाइम 12 टू 14 ईयर्स में आ जाना चाहिए, बट अगर डिलेड होता है तो दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी एमेनोरिया. सेकेंडरी एमेनोरिया की अगर पीरियड्स स्टार्ट हुए बट इट स्टॉप्स फॉर थ्री मंथ और मोर, दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमेनोरिया. Stopping of regular menstrual cycle for 3 months or more is termed as secondary amenorrhea. Primary amenorrhea दो टाइप है amenorrhea के. जो factors influence करते हैं उसमें hormonal changes है, बहुत ज्यादा intensive exercise करते हैं, और अगर less calories लेते हैं तो भी ये होने के chances बहुत ज्यादा हो जाता है. And last one is osteoporosis. Osteoporosis is a common word. डिक्रीज इन बोन डेंसिटी. जब भी कभी जो है सो बोन डेंसिटी किसी के अंदर कम हो जाती है, मोस्टली वुमेन्स में होता है ये. इट पुट्स वुमेन एथलीट एट अ रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर. इसमें जो है सो वुमेन को बहुत ज्यादा चांसेस होती है बोन फ्रैक्चर होने के. लो ओएस्ट्रोजन लेवल एंड लो कैल्शियम इंटेक कैन लीड टू ओएस्टोपोरोसिस. मोस्टली जो है सो जब लो कैल्शियम इंटेक होती है उस समय जो है सो ओएस्टोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसका जो मेन रीजन है वो कुछ ऐसा है, इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट. अगर आपके डाइट में इनसफिशियंट कैल्शियम है, ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपको हुआ है, सपोज यू आर डूइंग, अगर आप बुलिमिया हो रहा है या फिर जो है सो आपको एनोरेक्सिया हो रहा है, तो भी जो है सो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ईटिंग हैबिट्स अगर बैड है, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो दैट बैड ईटिंग हैबिट्स कैन ऑल्सो कॉज टू ऑस्टियोपोरोसिस. और अगर एमेनोरिया है किसी को, तो भी जो है सो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस. सो दीज वेर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. एंड Never wish life were easier. Wish that you were better. Written by Jim Rohn. So follow these lines and do subscribe us, follow us, and if any questions, do comment us. We'll surely answer. Our motive is to cut short and make it easy for you all so that you can easily learn it. Thank you all of you. Meet you in the next chapter's video. Thank you once again.